रांची के नामकुम प्रखंड में बन रहे सरकारी खेल के मैदान में निर्माण के साथ विवाद भी शुरू हो गया है। एक तरफ बीडीओ उस भूमि का सरकारी होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ग्रामीण इसे अपनी जमीन बता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अब तक आपने सुना होगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ही लोगों के साल बीत जाते हैं, लेकिन रांची के नामकुम प्रखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें फरियादी पिछले लगभग 10 सालों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गया है और अब तक इस व्यक्ति को अपनी समस्या का हल नहीं मिला। दरअसल नामकुम प्रखंड के सहोदा पंचायत के लक्ष्मी सिंह का कहना है कि जिस जमीन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकारी जमीन होने का दावा करते हुए खेल के मैदान का निर्माण करा रहे हैं, वो जमीन इनकी है। खेती बाड़ी करते थे, अभी भी उसमें हम लोग का दर्ज है, सर्वे में भी उसमें जबरदस्ती उसमें बीडीओ साहब ऑर्डर दे दिए हैं कि खेल का मैदान बनेगा। वहीं जब इस पूरे मामले पर हमने नामकुम बीडीओ से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये जमीन सरकारी ही है और नामकुम सीओ ने इसे सरकारी भूमि करार देते हुए पत्र भी जारी कर दिया है। अच्छा, देखिए इसके बारे में हमको यही कहना है ना कि अंचल कार्यालय नामकुम से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जीएम लैंड सरकारी जमीन है। तो जब एक अंचल अधिकारी लिखते हैं कि ये सरकारी जमीन है, उन लोगों का कहना है कि ये मेरा पुश्तनी जमीन है, हुक्मनामा से मैंने कागज वगैरह भी मांगा, सीआई साहब से दिखाया, सीआई साहब का कहना कि ये सब फर्जी कागजात हैं, इस कागजात से उनका उस जमीन पर कोई लेना देना अधिकार नहीं बनता है। जमीन सरकारी है या लक्ष्मी सिंह की, ये जांच का विषय है, लेकिन 10 सालों से अगर किसी व्यक्ति के आवेदन पर प्रखंड कार्यालय में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिस्टम में कहीं न कहीं लेट लतीफी है। कैमरामैन पवन के साथ विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट।